हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज यू वर्ड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो 95% प्लस टारगेटेड बैच था, जो आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर 10th क्लास था, उसके लिए आपकी एसएसटी की क्लास 10th क्लास के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी की क्लास। मैं हूं आपका एसएसटी टीचर विनोद दुवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप जो चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग समझे, उसमें आपको क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है, फिर आप देखें कि चैप्टर में क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका चैप्टर का नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। देखिए, रिसोर्स के बारे में इसके बताया गया होगा और डेवलपमेंट यानी उनका विकास हम कैसे कर सकते हैं। तो आप चैप्टर के मीनिंग को समझ गए होंगे। और ये वीडियो जो आपकी बाई लैंग्वेज जाने वाली है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको काफी अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और दोनों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। सबसे पहले जो आपका है रिसोर्सिस। देखिए, रिसोर्सिस आप किसे कहते हैं, रिसोर्सिस से आप क्या समझते हैं। रिसोर्सिस होते क्या है और इनसे आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रिसोर्सिस की डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज, एनीथिंग सराउंडिंग अस, सराउंडिंग अस विच फुलफिल आवर नीड्स, विच फुलफिल आप सेटिस्फाई भी कह सकते हैं आवर नीड्स। यानी कि इस बात से आप क्या समझे कि कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। लेकिन रिसोर्स बनने के लिए उस चीज को, कोई भी चीज, अगर कोई भी मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल है, तो उसको रिसोर्स बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि वो कैसी होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्टेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सपोर्टेबल से हमारा क्या मतलब है, देखिए कि हमने पेट्रोलियम लिया, उससे हमने डीजल पेट्रोल निकाल लिया और हमारी गाड़ियां चलनी शुरू हो गई डीजल पेट्रोल से। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो ओशियनिक वाटर होता है, समुद्री पानी होता है, उसमें क्या डिजोल्व होता है, उसमें गोल्ड डिजोल्व होता है यानी कि सोना डिजोल्व होता है। लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है कि हम उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सके या उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेक्निकल सपोर्टेबल नहीं है। और अगर करेंगे तो उस टेक्निक पे इतना ज्यादा खर्चा आएगा कि वो हमारे लिए अनयूजेबल हो जाएगा, यानी कि उस गोल्ड का प्राइस इतना नहीं होगा जितना उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा खर्चा हो जाएगा। सबसे पहले जो बात है, कैसा होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्टेबल होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग क्या है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली फैसिबल होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, हमारे पास उस चीज के लिए पैसा हो। मान लीजिए आपके पास, आप कोई घर बनाते हैं, घर से बनाने के लिए आप क्या लेते हैं, आप कोई कंकड़ पत्थर का बनाता है, कोई सीमेंटेड हाउस बनाता है, कोई कच्चा हाउस बनाता है, तो इकोनॉमिकल फैसिबल यानी कि अगर आपके पास उस चीज के लिए पैसा ही नहीं है तो आप उसको यूज कैसे कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट थिंग होती है वो इकोनॉमिकली फैसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फैसिबल होना चाहिए। देखिए, मैं यहां पे एफएस लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, फैसिबल होना चाहिए। और जो नेक्स्ट एंड टॉप मोस्ट थिंग है वो होता है कि वो एनवायरमेंट सपोर्टेबल होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रदूषण करता है, जिससे क्या होता है, अगर हमें और हमारी प्रकृति को नुकसान होता तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते। देखिए, मान लीजिए हम डीजल और पेट्रोल का आज यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है, इकोनॉमिकली हमारे फ्रेंड नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है वो। क्यों, क्योंकि उनसे धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उससे क्या होता है हमारे वातावरण में प्रदूषण होता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन सबसे मोस्ट थिंग है कि वो हमारे, लेकिन हम उसको यूज करते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि वो इतने ज्यादा भी प्रदूषण नहीं करते, लेकिन प्रदूषण तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते। इसलिए इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है किसी भी रिसोर्स का। कैसा, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है रिसोर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं और उसकी रिसोर्स बनने की कंडीशन क्या होती है। तो उसकी रिसोर्स बनने की तीन कंडीशन होती है, 1, 2 और 3।
तो तीन कंडीशनों को अगर वो पूरा करता है तो वो क्या है, रिसोर्स है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज के टाइप कैसे होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि कुछ हमने बेसिक्स बना लिए, किस बेस पर उनको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। आइए हम इसको एक बार रब कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे जो पहला जो टॉपिक होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, यानी कि आप क्या कह सकते हैं इसको, उत्पत्ति के आधार पर, हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इस बात से आप क्या समझते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ, वो रिसोर्स बना कैसे है। मान लीजिए जो मेटल है उनका निर्माण कैसे हुआ, नॉन मेटल का कैसे हुआ, या फॉसिल फ्यूल्स का कैसे हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। या आप इसको एक बात और लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसमें उसके कितने टाइप्स हैं, यहां पर ये रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। हिंदी में आप इनको बोलेंगे जैव रिसोर्सेज, जैव संसाधन और अजैव। देखिए कोई भी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग उस वर्ड के अंदर ही छुपा होता है। तो आप इस बात से क्या समझेंगे कि जैव या अजैव कैसे होते हैं। देखिए जैव, जैव जो जीवों से रिसोर्स बनता है, जो जीवों से रिसोर्स बनता है। बायोटिक यानी कि जो रिसोर्स बायोटिक होते हैं, और एबायोटिक यानी कि जिनमें अजैव होते हैं, जिनमें कोई भी जीव नहीं होता, या जो डेड होते हैं या निर्जीव जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बायोटिक एंड एबायोटिक। तो देखिए बायोटिक रिसोर्स यानी कि जैव रिसोर्स और अजैव रिसोर्स, इनका मीनिंग इनके नेम के अंदर ही छुपा हुआ, मैंने आपको बता दिया, जैव और अजैव। अब हम देखते हैं कि ये बायोटिक जो रिसोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मेड बाय नेचर। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, मेड बाय नेचर, नेचर, या आप कह सकते हैं क्रिएटेड बाय नेचर। यानी कि ये कैसे बने होंगे, ये नेचर यानी कि प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। और इनमें क्या होते हैं, जो सेकंड जो आपकी थिंग है, सेकंड जो कंडीशन है, ये क्या होगी, कंपोज्ड बाय लिविंग थिंग्स, कंपोज्ड बाय लिविंग थिंग्स। यानी कि ये जो लिविंग एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनसे ये कंपोज्ड होते हैं। और जो थर्ड थिंग होगी इसमें, जो आपकी तीसरी कंडीशन होगी, क्या होगी कि इनमें रेस्पिरेशन या फिर फोटो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा या रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो आइए अब इनके एग्जांपल देखते हैं हम क्या क्या होंगे। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या है, इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या होंगे। फिर क्या होगा, एनिमल्स, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी इसी के अंदर आते हैं। फिर क्या होगा, ह्यूमंस, यानी कि जो मानव है वो भी एक बायोटिक रिसोर्स है, जैव रिसोर्स है, जो हम मानव, हम जीवित प्राणी जितने भी आदमी है, पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की, सब क्या है, एक रिसोर्स है, वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है। और एग्जांपल आपके क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, फंगी होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो वो किस चीज में आते हैं, बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एबायोटिक रिसोर्स, यानी कि अजैव रिसोर्सेज, अजैव संसाधन, ये कौन से होते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, मेड बाय
या क्रिएटेड बाय भी लिख सकते हैं आप, मेड बाय नेचर एंड मैन, यानी कि ये प्रकृति द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। सबसे पहली थिंग इसकी क्या होगी कि ये प्रकृति द्वारा भी बनाए गए हो सकते हैं या आदमी द्वारा भी, मानव ने भी इनको बनाया हो सकता है। और उसके बाद जो आपकी सेकंड जो कंडीशन होगी एजाओ के लिए वो क्या होगी, आपकी जो सेकंड थिंग है वो है मेड बाय, सॉरी डू नॉट कंपोज बाय लिविंग थिंग्स, यानी कि इनमें लिविंग थिंग्स नहीं पाई जाती, इनमें जो लिविंग थिंग्स है वो नहीं पाई जाती। तो आइए इनके एग्जांपल देखते हैं कि एज अ रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जो प्राकृतिक यानी कि नेचर द्वारा बनाए गए हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, उनके एग्जांपल देखते हैं। देखिए वाटर, एयर, ये दोनों क्या है, एयर वाटर प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं और एबायोटिक रिसोर्स है, यानी कि इनके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, इतने हमारे लिए यूजफुल रिसोर्सेज हैं। और आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं बट मैन मेड हैं, ये कैसे थे, ये नेचर मेड थे। अब देखते हैं कि मैन मेड कौन से हैं। मैन मेड देखिए रोड्स, जो रोड्स होते हैं वो कैसे हैं, मैन मेड हैं। उसके बाद क्या होते हैं, रेलवेज, रेलवेज, फैक्ट्रीज, सॉरी इंडस्ट्रीज लिख सकते हैं आप, फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्रीज, ये कैसे हैं, ये मैनमेड रिसोर्सेज हैं। और कैसे हैं, एबायोटिक है, देखिए इनमें आपको कोई भी लिविंग थिंग नहीं मिलेगी, तो ये कैसे होते हैं, एबायोटिक रिसोर्स होते हैं और ये मैन द्वारा या प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो आप इस तो अच्छे से समझ गए होंगे कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या डिफरेंस होता है और उनको क्या क्या कंडीशन कंप्लीट करनी होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, कि वो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि जो इनकी जो, ये सबसे पहला था कि इनकी बेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा गया था। जो नेक्स्ट बांटा गया है या जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कैसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समापत्या के आधार पर क्या ये खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि समापत्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहां पर इतना छोड़ देता हूं, आप समझ जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि समापत्या के आधार पर कि ये खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आइए हम देखते हैं कि इनको कितने टाइप्स में बांटा गया है। इनको भी देखिए दो टाइप्स में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यानी कि हिंदी में आप क्या बोलेंगे इनको, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आइए हम इसके वर्ड से पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो आपको डेफिनेशन वर्ड से ही लिखनी होती है। देखिए रिन्यूएबल, देखिए यहां पर तीन वर्ड है, रिन्यूएबल यानी कि जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी, वो हमको रिन्यू होके मिल सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे, रिन्यूएबल यानी कि जिनकी एंडलेस सप्लाई होती है, हम क्या कह सकते हैं, एंडलेस सप्लाई होती है। दूसरे हैं जो नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिनको हम जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते यानी कि जो खत्म हो सकते हैं। तो आइए देखिए इनकी पहली कंडीशन क्या देखते हैं रिन्यूएबल की, इनकी जो सप्लाई होती है वो एंडलेस सप्लाई होती है, एंडलेस सप्लाई, इनकी जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, एंडलेस होती है, यानी कि हमें
कुछ ही समय बाद ये मिल जाएंगे दोबारा 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 और ये कभी खत्म नहीं होते। तो आइए इनके एग्जांपल देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स होते क्या हैं, कौन से होते हैं। तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स में सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो हम देखते हैं कि ये हमें कहां से मिलती है। देखिए सोलर एनर्जी हमसे हमें कहां से मिलती है, ये मिलती है हमें सनलाइट से, और विंड जो एनर्जी होती है वो हमें कहां से मिलती है, विंड से या एयर से। एक होती है हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि जल विद्युत, वो हम कैसे करते हैं, वो हम वाटर से लेते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि रिन्यूएबल क्या होते हैं। कि देखिए सनलाइट है जो कभी खत्म नहीं होगी, दिन होगा रात होगी, रात के बाद अगले दिन फिर हमें सनलाइट मिलेगी। अगर सनलाइट मिलेगी तो हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, अगर सनलाइट नहीं हुई तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी और जो हमारी धरती है वो भी डेड हो जाएगी। तो आप ये तो कल्पना ही मत कीजिए कि हमें सनलाइट कभी नहीं मिलेगी, तो सनलाइट मिलती रहेगी तो हमें सोलर एनर्जी भी मिलती रहेगी, क्योंकि हमने सोलर पावर प्लांट लगा लिए हैं, हमने इतनी टेक्निक विकसित कर ली है कि हम सोलर एनर्जी सॉरी सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। उसके बाद एयर यानी कि हमने विंड में लगाकर जो एयर से हमने क्या कर लिया है, विंड एनर्जी प्राप्त कर ली, और विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि जो वाटर होता है हमारी, वाटर से हमें क्या मिलती है, हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि इसको हम बोलते हैं जल विद्युत, यानी कि इससे हम बिजली बना सकते हैं। वाटर को हम और क्या करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं, वो भी पीने के बाद भी हमें वाटर क्या देता है, एनर्जी देता है हमारे शरीर को। और क्या करते हैं हम डोमेस्टिक यूज में भी इसका प्रयोग करते हैं, डोमेस्टिक यूजेस। तो ये ऐसी चीजें हैं कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आप बोलेंगे इसकी सर पानी तो खत्म हो रहा है, देखिए पानी खत्म नहीं होता, हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे महासागर होते हैं वहां से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, सनलाइट जब गिरती है वाष्पीकरण होने के बाद वो भाप में चेंज हो जाता है और पहाड़ों पर जाकर वर्षा करता है, और वही पानी वर्षा का पानी नदियों द्वारा हमें पीने को मिलता है और कुछ महासागरों में फिर वापस चला जाता है। देखिए ये एक प्रकार से वाटर साइकिल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं जो नदियों का पानी है उसको प्रदूषित कर देते हैं, इसलिए हमारे पास पानी की कमी होती है। देखिए नेचर ने क्या किया, हर चीज का एक साइकिल बनाया है कि वो चीज कभी खत्म नहीं होगी जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन हम क्या करते हैं जो हम ह्यूमंस हैं इसके बीच में अवरोध पैदा कर देते हैं। देखिए वाटर से हमने क्या किया, वाटर को प्रदूषित कर दिया, महासागरों तक पहुंचने ही नहीं दिया। अगर पहुंच जाता है तो कैसा होता है, प्रदूषित होता है, या हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो वाटर साइकिल में भी हम क्या कर देते हैं, कई बार बाधा, कई बार क्या हम करते रहते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए हमें वाटर की सेक्रेसी, जल की कमी हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो क्या होते हैं, इनकी सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, सप्लाई लिमिटेड से हमारा क्या मतलब है कि इनके हमारे पास सिर्फ कुछ स्टॉक हैं, वो खत्म भी हो सकते हैं हमारे जल्दी से जल्दी अगर हम उनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि एग्जांपल कोल, सबसे पहले हमने रेल किस चीज से चलाई थी, भाप का इंजन जो बना था कोयले से बना था। कोल की क्या हमारे पास सिर्फ कुछ भंडार है, और अगर हम उससे निकालते रहेंगे, माइनिंग करके कोल निकालते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कोल हमारा खत्म हो जाएगा। और ये क्या है, ये इको फ्रेंडली भी नहीं है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि अब हम कोयला जलाएंगे तो धुआं उठेगा, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा। तो इनकी एंडलेस सप्लाई नहीं है, क्यों, क्योंकि कोल को बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं, तब जाकर कहीं कोल तैयार होता है, कोयला तैयार होता है। इसी प्रकार जो हमारे अदर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, यानी कि इनको बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं और हम इनका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमें इनका यूज न करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज ज्यादा करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल का कम करना चाहिए। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछा था कि सर जो मेटल्स होती है वो रिन्यूएबल होती है नॉन रिन्यूएबल होती है, तो आइए हम देखते हैं कि वो कैसी होती है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एंडलेस सप्लाई, और यहाँ पर सप्लाई लिमिटेड। अब आप मेटल्स को देखिए, मेटल्स को हम कैसे निकालते हैं, माइनिंग के द्वारा,
और मेटल्स के भी हमारे पास क्या है, स्टॉक है, भंडार है, यहाँ पर सोना मिलेगा, यहाँ पर चांदी, यहाँ पर लोहा, तो वो क्या है, उनकी सप्लाई कैसी है, लिमिटेड है। तो आप इस चीज को जैसे ही इससे कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेटल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखें कि मेटल क्या है, कौन सा रिसोर्स रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। आप इस बारे में अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि हमने जो रिसोर्सिस है उनको कैसे बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हिंदी में आप क्या कहेंगे, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि इसका जो मालिक है वो कौन है, और इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, जो हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो सेकंड है वो कैसा होता है, कम्युनिटी, जो थर्ड है वो कौन सा है, नेशनल, और जो फोर्थ पार्ट है इसका वो कौन सा है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसको कैसे हमने पता लगाना कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है। देखिए इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, निजी, या किसी एक आदमी के हाथ में जो रिसोर्स होता है, जिस पर किसी एक आदमी का हक होता है, वो कैसा कहलाता है, इंडिविजुअल रिसोर्स। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास जमीन है, आपके पास क्या है, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लैंड। अब हमने बोला कि लैंड कैसा रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन पूरी लैंड नहीं, मान लीजिए कि आपके पास जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपके पास कितने एकड़ लैंड है, मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ है, तो उसके आप इंडिविजुअल मालिक है, आपकी मर्जी, आप उस पर क्या बो सकते हैं, कोई भी फसल उगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, तो वो आपका कैसा है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपके हाउस होते हैं, मकान, वो कैसे होते हैं, हाउसेस जो होते हैं वो आपके इंडिविजुअल, आपके खुद के होते हैं, वो किसी और आदमी का उस पर हक नहीं होता, तो वो कैसा होता है, डायरेक्टली आपके प्रपोजल में होता, आपके हक में होता, तो वो कैसे हो गए, इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं वो। तो ये देखिए एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग से है, हम ज्यादा दूर से एग्जाम्पल नहीं लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आते जाए कि इंडिविजुअल रिसोर्स होते क्या है। तो ये क्या होंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स होंगे जो आप पर खुद के, जो कोई भी आदमी उसका मालिक हो, एक आदमी या फिर एक परिवार उसका मालिक हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। उसके बाद जो आते हैं हमारे कम्युनिटी रिसोर्स, ये कम्युनिटी क्या होता है, किसी जो भी मान लीजिए कोई रिसोर्स हो उस पर एक कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी का अधिकार हो। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल देखते हैं आपकी जो शमशान भूमि होती है, देखिए जो हिंदूज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी डेड बॉडीज को जलाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम और ईसाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो जो आपकी शमशान भूमि होती है उसको क्या कहेंगे हम, एक कम्युनिटी का अधिकार है, पूरी कम्युनिटी यानी कि एक जाति विशेष समूह का अधिकार है। तो देखिए जो हिंदू लोग होते हैं उनके शमशान में कभी भी मुस्लिम लोग नहीं जाते और ना ही वो ऐसा करते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिमों के जो शमशान भूमि उसमें नहीं जाते, क्यों, क्योंकि उस पर एक कम्युनिटी का अधिकार होता है। ऐसे ही आपके गांव में जो आपके तालाब होते हैं, पशु चारण भूमि होती है, मान लीजिए कोई जहां पर लोग पशु चराते हैं, वो भी कैसी है, कम्युनिटी लैंड होती है। तो जिस पर एक कम्युनिटी का अधिकार होता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कम्युनिटी रिसोर्स कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल रिसोर्स कौन से होते हैं, यानी कि जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, पूरे देश की जो जनता है वो उसका यूज कर सकती है। देखिए इसका यूज कौन कर रही थी, एक कम्युनिटी, इंडिविजुअल का यूज कौन कर रहे थे, एक आदमी या एक परिवार। नेशनल रिसोर्सेज का यूज पूरा देश कर सकता है, कैसे, देखिए मान लीजिए आपके जो नेशनल हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं,
अब आप बोलेंगे सर उन पे तो हमें टोल देना पड़ता है, तो आपको टोल तो वही देना होगा अगर आपको अच्छे रोड चाहिए तो। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन वो कैसे हैं, वो नेशनल रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि उन पर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, पूरे देश के लोग वहां से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन भाई टोल तो आपको देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें कि टोल तो सरकार का जो नियम है, क्यों? क्योंकि उसके रख रखाव के लिए सरकार आपसे पैसा लेती है, अगर वो रोड टूट जाता है, कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं तो उनका भराव हो सके। तो ये किस प्रकार के होते हैं, नेशनल हाईवे कैसे होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। तो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम, इनका रेलवेज, जो आपकी रेल होती है और रेलवेज कैसे होते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक नेशनल रिसोर्स है, इसका भी प्रयोग पूरे देश के जनता जो पीपल्स है करते हैं। तो रेलवेज कैसे हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज पर पूरे, मतलब आप कह सकते हैं कि विश्व का अधिकार होता है। मान लीजिए मैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज को आपको यहां पर समझाता हूं कि क्या होते हैं, कि ये क्या है, ये हमारा दक्षिण भारत है। तो आप मैप पर ध्यान दीजिए, एक बार समझिए, तो कोस्ट लाइन से कितनी दूर तक हम जा सकते हैं, कितनी दूर तक हम मछली पकड़ सकते हैं, तो वहां तक तो हमारा क्या हुआ, नेशनल रिसोर्स, केवल इंडिया का अधिकार हुआ। लेकिन आगे क्या होता है, खुला समुद्र होता है, क्या होता है, खुला समुद्र, यानी उसके आसपास कोई देश ही नहीं लगता। तो यहां पर जो ये दूरी होती है ये नॉटिकल मील में नापी जाती है, नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, समुद्री मील जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो कुछ नॉटिकल मील्स, मान लीजिए 100 नॉटिकल मील्स तक हम, माइल्स तक जा सकते हैं, उसके बाद खुला समुद्र है। तो वहां पर हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए यूएनओ की परमिशन लेनी होती है, और वहां पर इंडिया भी कर सकता है, लेकिन एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए कि किसी और देश को असुरक्षित महसूस ना हो। मान लीजिए चाइना क्या करे, हमसे 100 नॉटिकल माइल पर एक परमाणु संयंत्र लगा दे, तो इंडिया भाई इसको ऐसा नहीं करने देगा, क्यों? क्योंकि इससे इंडिया को असुरक्षित महसूस होगा और ये कभी भी हमारे ऊपर युद्ध कर सकता है, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर जो रिसोर्स होते हैं, मान लीजिए कि वहां से आपको पेट्रोलियम निकालना है, वहां पर पेट्रोलियम है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं यूएनओ की सहमति से। तो वो किस प्रकार के रिसोर्सेज हो जाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं, यानी कि मैरीन रिसोर्सेज, समुद्री संसाधन जो होते हैं, वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। अब जो हमारा टॉपिक है, हमने रिसोर्सेज को किस बेस पर बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उनका विकास कितना हुआ है, हम उनको कितना यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इस आधार पर हमने इसको बांटा है, क्या आधार बना है, उसकी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, इसको भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो है पोटेंशियल रिसोर्स, देखिए यहां पर हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद जो होता है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज, उसके बाद हमारा क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, और जो लास्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा रिजर्व्स। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे होते हैं, देखिए पोटेंशियल स्टॉक कैसे होते हैं, सॉरी पोटेंशियल रिसोर्स कैसे होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके एग्जांपल क्या क्या है। ये रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो किसी एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन उनका हमने यूटिलाइजेशन अब तक नहीं किया है, फाउंड इन ए रीजन, क्या कह सकते हैं आप, फाउंड इन द रीजन, यानी कि किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, बट नॉट यूटिलाइज्ड, यानी कि हमने इनका क्या किया है कि इनको, ये किसी अक्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन हमने इनका अभी तक यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, हमारे पास मान लीजिए टेक्नोलॉजी भी है, तो
लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा, सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन हमने वहां पर सोलर पावर प्लांट नहीं लगाए हैं अभी तक। तो क्या हुआ कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ये किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मान लीजिए अरुणाचल में हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन हमने वहां पर अभी तक हाइड्रोलिक मशीनें नहीं लगाई है जो हमें हाइड्रोलिक एनर्जी दें। तो उनका हमने यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं आपके। उसके बाद जो होते हैं स्टॉक रिसोर्सेज, यानी कि स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज से पहले आप एक बार देखिए कि डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, आप हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजी भी है और हम उनका यूज भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि डेवलप्ड रिसोर्स की क्या कंडीशन होंगी, हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी है। सेकंड जो कंडीशन हम देखते हैं कि हम उसका यूज भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी यूज दैट। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे होते हैं। देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, एक रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है, फॉसिल फ्यूल रिसोर्स है। और कैसा है, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन हमने पेट्रोलियम से क्या किया, सीधा पेट्रोलियम से तो हमारी गाड़ी चलने से रही, हमने इससे क्या बनाया, हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा पेट्रोल और डीजल बनाए, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद हमने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल अकेले हमारे काम के थे नहीं, तो पेट्रोल और डीजल के बाद हमने क्या किया, हमारी कार बनाई, ट्रक बनाए, बस बनाई, रेलवे बनाई, सॉरी रेल बनाई, हमने जो भी काम किया वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गए, यानी कि उनके हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और आज हम उनको काफी अच्छी तरह से यूज भी कर रहे हैं। तो जैसे नेचुरल गैस है, उसको हम सिलेंडर्स में डोमेस्टिक यूज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोल है, उससे हम थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, बिजली बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं वो डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, यानी कि जिनकी हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी और हमका यूज भी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो अब हम देखते हैं कि स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। देखिए ये कैसे मैटर होते हैं, मैटर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, यानी कि ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन environment and they have capacity and these have, आप लिख सकते हैं these have capacity भी लिख सकते हैं आप, potential भी लिख सकते हैं, capacity to fulfill needs, to fulfill needs, यानी कि इनके पास क्या है, capacity भी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, but lack of technology, यानी कि lack, देखिए lack कमी, lack of technology, हमारे पास क्या है कि इनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी की कमी है, तकनीक की कमी है। कैसी है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हम देखते हैं वॉटर, H2O, वॉटर का फॉर्मूला होता है। वॉटर में क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो गैस है इसको सबसे बेस्ट फ्यूल माना जाता है कि ये सबसे अच्छा ईंधन है। लेकिन हम पानी से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कैसा रिसोर्स हो गया, एक स्टॉक रिसोर्सेज के अंतर्गत आया कि हम पानी को वैसे तो यूज करते हैं और ये कैसा रिन्यूएबल रिसोर्स भी था। लेकिन अगर हम इसको स्टॉक रिसोर्स के एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम हाइड्रोजन को पानी से अलग, पानी से हाइड्रोजन गैस वो नहीं बना सकते, और अगर नहीं बना सकते तो उसका हम यूज भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके पास एनर्जी है, इसके पास क्या है, कैपेसिटी है हमारी नीड्स को फुलफिल करने की, यानी कि जो हाइड्रोजन वो एक अच्छा फ्यूल बन सकती है। लेकिन हमारे पास अभी तक इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम इसको यूज कर सकें। अब जो हमारे लास्ट जो टॉपिक होता है वो रिजर्व्स, यानी कि जो हमने रिजर्व करके रखा हमारे पास, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। रिजर्व्स, हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, हम ये पता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि
इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हमने क्या छोड़ दिया इसको फ्यूचर के लिए बचा के रख दिया, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिजर्व्स कहलाते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज, यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि स्टॉक का सबसेट है, सबसेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं ये, आप सबसेट बोल सकते हैं इसको, सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट ऑफ स्टॉक होते हैं जो रिजर्व्स होते हैं, इनकी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हमने अभी तक उसको यूज करना शुरू नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखने हैं। तो यहां तक देखिए आज आपका क्या कंप्लीट हो गया टॉपिक, सॉरी अभी तक क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ कि आपके जो रिसोर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उनको किस बेसिस पर कितने टाइप में बांटा गया है, और ये काफी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है, बड़े क्वेश्चन में भी आता है, 5 नंबर में भी आपके मेनली आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे चैप्टर का और उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का विकास, हमने कैसे किया है और हम कैसे करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। देखिए कई लोग क्या समझते हैं कि दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सबसे पहले आइए एक बार को हम देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, सॉरी वन मत लिखिए, आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वी विल यूज देम एंड वी will use them very fastly, यानी कि लोग क्या समझते हैं, लोगों में क्या मानसिकता बनी हुई है कि जो resources है हमारे वो क्या है, free gift of nature है, nature ने हमें क्या दिया है कि ये free gift है और हम इनको जितना चाहें उतना use कर सकते हैं या very fastly हम इनको जो है यूज कर सकते हैं। कैसा यूज कर रहे हैं, इंडिस्क्रिमिनेटली, इंडिस्क्रिमिनेटली का क्या मीनिंग होता है कि अंधाधुंध इनका जो प्रयोग होता है यूज होता है वो कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनका डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन इनका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए डेवलपमेंट ऑन इनडिस्क्रिमिनेटली यूज में क्या डिफरेंस होता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है हमें इसका विकास करना चाहिए, इनकी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेटली यूज का क्या मीनिंग होता है कि ये अंधाधुंध यूज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बाइक है, आप दूध लेने भी बाइक पर जाते हैं 200 मीटर, आप स्कूल आपका मान लीजिए घर से 500 मीटर उस पर भी बाइक लेकर जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी दूरी आप पैदल भी तय कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है उनका अंधाधुंध प्रयोग नहीं होगा। मान लीजिए आप पानी को देखते हैं, वाटर का आज हम बहुत एक्सेस यूज कर रहे हैं, नहाने के लिए कई कई घंटे तक हम शावर के नीचे खड़े रहते हैं और उससे हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं पानी का, लेकिन हमें क्या करना चाहिए जल्दी से नहा लेना चाहिए जिससे कि पानी वेस्ट ना हो हमारा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, ये हमारे लिए यूजफुल है लेकिन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, हमें इनका सोच समझ कर यूज करना चाहिए। कि देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि डेवलपमेंट की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं इनका। देखिए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई टू सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ पीपल्स, देखिए ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल्स लिख सकते हैं आप, ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल्स, यानी कि जो रिच लोग होते हैं या जिनके हाथ में ये संसाधन होते हैं। मान लीजिए कि आप देखेंगे कि किसी के पास पैसा है तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी में ही घूमेगा, एरोप्लेन में जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेगा, बहुत ज्यादा पानी के लिए, नहाने के लिए अपने लिए एक 2000 लीटर का बाथटब बनवा लेगा, उसमें नहाया
और 2000 लीटर पानी वेस्ट कर दिया, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लालच को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि रिसोर्स का दोहन करते हैं। डिप्लीशन क्या होता है, दोहन करना, तो संसाधनों का बहुत ज्यादा गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या होता है, एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। इस बात से आप क्या समझेंगे कि जो रिसोर्सेज हो कुछ लोगों के हाथों में दे दिए गए हैं, क्योंकि उनका समान बंटवारा नहीं किया गया। मान लीजिए कोई कोल कंपनी है, कोल लिमिटेड ऑफ इंडिया, वो इंडिया कोल इंडिया के अंतर्गत है, लेकिन वहां पर बैठे हुए ऑफिसर्स क्या करते हैं, उसका उसको ब्लैक में बेचने लगते हैं। मान लीजिए सरकार ने बोला कि आप सिर्फ 3 टन सोना पर डे, सॉरी 3 टन कोल, 3 टन कोल बेच सकते हैं पर डे, लेकिन वो क्या करते हैं कि ब्लैक में 1 टन कोल किसी और कंपनी को दे देते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। इससे क्या होता है कि वो लोग तो अमीर हो जाते हैं, तो सोसाइटी कैसे होगी, इसके कारण सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। सोसाइटी क्या हो जाएगी, सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में, एक होंगे रिच पीपल यानी कि जो रिसोर्स है, और जो सेकंड होंगे पुअर पीपल्स जिनको रिसोर्स मिला ही नहीं लेकिन ये रिच हो गए। मान लीजिए इन्हें ब्लैक में इन्होंने कोई भी काम किया और इनके पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ, तो ये अदर रिसोर्सेज का भी यूज करेंगे, मान लीजिए पानी का, तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, तो एक्सेसिव यूज करेंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, साधन संपन्न लोग हो जाएंगे, और ये साधन विहीन, रिसोर्स विहीन, संसाधन विहीन लोग रह जाएंगे। तो इस तरह से एक्युमुलेशन इन फ्यू हैंड्स नहीं देना चाहिए, सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए सब कुछ, जिससे कि सोसाइटी डिवाइड ना हो रिच और पुअर पीपल्स में। जो नेक्स्ट क्या होता है कि इनडिस्क्रिमिनेटली, मैंने आपको बताया था कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ रिसोर्सिस, तो क्या करते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा रिसोर्स का यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, डैमेज करते रहते हैं इन्वायरमेंट को, इसलिए हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, ये इनडिस्क्रिमिनेट होता है रिसोर्सेज का। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट रिसोर्स क्या होती है और इनडिस्क्रिमिनेट यूज रिसोर्सेज का कैसा होता है। तो आइए हमने ये पूरे अच्छे से पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं कि सतत पोषणीय विकास, या आप कई बार बोल सकते हैं सतत विकास। सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले क्या होता है कि डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट Do not damage the environment, जो environment को क्या करे, बिल्कुल भी damage न करे। Development not damage environment, यानी कि ऐसी development जो हमारे environment वातावरण को बिल्कुल भी damage या प्रदूषित न करे। और इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इस डेवलपमेंट में हमें क्या और करना चाहिए, ये क्या करती है, फुलफिल ऑफ प्रेजेंट नीड, ये क्या करती है, फुलफिल प्रेजेंट नीड्स, क्या करती है कि आज की हमारी जरूरतें तो पूरी करती है, बट लेकिन इसको क्या करना चाहिए, नॉट कॉम्प्रोमाइज विद फ्यूचर जनरेशन, कॉम्प्रोमाइज विद फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर डेवलपमेंट भी आप यहां पर लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमारा विकास भी करे, एनवायरमेंट को भी डैमेज न करे, और हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी, जो हम उनकी जो जरूरतें हो उनके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ दे। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा, जो रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करना, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज है। मान लीजिए आप सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं,
आपने कोई एनवायरमेंट का पोल्यूशन नहीं किया, डैमेज नहीं किया सनलाइट से, आपने क्या किया इलेक्ट्रिक एनर्जी बना ली, और उसके बाद फिर क्या किया कि आपने प्रेजेंट की नीड कंप्लीट कर ली, यानी कि आपको बिजली चाहिए थी, आपको बिजली मिल गई, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भी आपने ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में भी वो भी सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट को तो डेली आना है, हर रोज सुबह सूर्य को निकलना ही निकलना है, और सूर्य निकलेगा तो हमारी जो एनर्जी है वो बनेगी ही बनेगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार से जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मान लीजिए पेट्रोलियम है, आप आज पेट्रोल डीजल की गाड़ियां यूज करते हैं, और आप बहुत आज देख रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्ट कितना होगा, कितने व्हीकल्स हो गए हैं रोड पर, जाम पे जाम लगते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम अगर खत्म हो गया तो पेट्रोल डीजल आपको बनेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा, और फ्यूचर जनरेशन है वो तो फिर साधन संसाधन विहीन रहेगी, यानी कि उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज रह जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा विकास करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे कि जो लैंड रिसोर्सेज एंड सोइल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और उनका जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सोइल रिसोर्सेज कितने टाइप्स की सोइल्स होती हैं, तो सब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके लिए आप हमारी वीडियो आगे भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।